अब हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए दिव्यांगजनों के लिए। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने 60% से ज्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को प्रतिमा 5,000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की है। दिल्ली दिव्यांगजनों को इतनी राशि देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दिल्ली सरकार ने दिव्यांगजनों को हर महीने 5,000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की है। इसी के साथ दिल्ली पूरे देश में दिव्यांगजनों को हर महीने इतनी राशि देने वाला देश का इकलौता राज्य बन गया है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिव्यांगजनों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने का फैसला किया है। जिन लोगों को 60% से ज्यादा डिसेबिलिटी डॉक्टर द्वारा सत्यापित होगी वे हर महीने 5,000 रुपए पेंशन के लिए लाभार्थी बन सकते हैं। दिल्ली सरकार इस समय करीब 1,20,000 लोगों को पेंशन दे रही है। उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और UTID कार्ड बनता है। सरकार बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। संबंधित विभागों को ये स्कीम तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में 1.20 लाख दिव्यांगजनों को मिलती है पेंशन। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2011 के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की 15% आबादी किसी न किसी रूप में दिव्यांगता का सामना कर रही है। इनमें से लगभग 2 से 4% लोग ऐसे हैं जिनकी दिव्यांगता अत्यधिक होती है और वे हाई स्पेशल नीड्स की श्रेणी में आते हैं। मतगणना के अनुसार दिल्ली में करीब 2,34,882 लोग दिव्यांग हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार इनमें से लगभग 9,500 से 10,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्सन विद हाई स्पेशल नीड्स कहा जा सकता है। इस समय दिल्ली सरकार 1,20,000 दिव्यांगजनों को पेंशन देती है जिनकी दिव्यांगता 42% से अधिक है। उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और UTID कार्ड बनता है जिससे उन्हें पेंशन का अधिकार मिलता है। तत्काल रूप से लागू होगी योजना। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है और सरकार को उनकी अतिरिक्त मदद करनी चाहिए। पूरे देश में केंद्र सरकार का राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2024 पूरे देश में केंद्र सरकार का राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 लागू है, लेकिन तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जो पर्सन विद हाई नीड्स को 1,000 रुपए मासिक सहायता प्रदान कर रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सोमवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि दिल्ली सरकार पर्सन विद हाई नीड्स को 5,000 रुपए प्रति मास सहायता देगी। सरकार जल्द ही इन लोगों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगी जिन लोगों की 60% से अधिक दिव्यांगता डॉक्टर द्वारा प्रमाणित होगी वे इस पेंशन योजना के पात्र होंगे। इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।